मेरा फेवर फूड कलकत्ते में रहने के बाद भी, बंगाल में रहने के बाद भी, गुजराती फूड मेरे लिए मतलब मेरा पसंद है। इसीलिए तो आप टाइटन हो, इधर ही आया है, हमें मालूम था ये। एक तो अच्छा है कि फैमिली उधर है, अच्छा ही लगता है। और आपकी क्या चाइल्डहुड मेमोरीज है वहाँ से? एक्चुअली मेरा होम टाउन एक्चुअली सिलीगुड़ी है, जो डॉक्टर से 12 घंटा दूर है। खेलने वाला मेमोरी इधर ही है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि यहाँ जब जब से मैं क्रिकेट चालू किया तो क्लब में खेलना या उसके बाद मैच में 10 साल रहना, तो वो सारे मेमोरीज तो है। आई मीन कोलकाता में बहुत सारी अमेजिंग जगह है, लेकिन अगर आप रेकमेंड करेंगे कि आपको इन दो जगह या तीन जगह देखनी है कोलकाता में, आप क्या बताएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल जो हम लोगों का होटल है उधर पास ही है। मैं कोलकाता में जब रहता हूँ ज़्यादा जगह घूमता नहीं हूँ, सिर्फ ग्राउंड टू होम है या दोस्तों के साथ बाहर जाना। हाँ बोलते थे कि अगर खाने के मामले में अगर कोई रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जानना चाहते हो तो उधर इंडियन फूड या बंगाल स्पेशली पुचका वो तो है ही, हर मोहल्ले में या हर चौरा पे मिलेगा ही। अगर बंगाली फूड के बात बोल रहे हो तो दो तीन अच्छा रेस्टोरेंट है, जैसे एक है सिक्स बालीगंज प्लेस और एक है ओ कोलकाता, तो ये जो जगह में फूड ट्राई करना चाहिए आपको। तो आपको कुछ का पसंद है या आप मां जी बोलते हो? कलकत्ता में हर एक को पसंद है, इवन शमी को भी पसंद होगा। एक तो कलकत्ता में फेमस है ट्रैफिक, वो सबको पता है। जैसे हम लोग मान ले कि एयरपोर्ट से होटल जाने में कितना टाइम लगेगा, अभी देख लेना कि कैसे ट्रैफिक है, वो तो है ही। साथ में हाँ इंसान बहुत अच्छे है, जैसे हेल्पफुल है, तो ये चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करता है। और अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें गुजरात और कोलकाता में, सिमिलैरिटी है कि कल्चरली बहुत रिच है। वही वही फूड का मामले में बोलना चाहता हूँ कि जैसे कलकत्ता में बंगाली फूड तो है ही, जैसे मैक्सिमम 10 फैमिली में से मान लो 8 या 9 फैमिली ऐसा होगा कि रोज मछली तो चाहिए ही चाहिए। माछ, हाँ माछ माछ बोलते हैं हम लोग, तो मछली चाहिए। तो साथ में जैसे स्वीट या तो मिष्टी दोई या तो रसगुल्ले या तो कुछ ना कुछ चटनी वगैरह, ये कुछ ना कुछ चाहिए हर दिन। तो हम लोग भी वैसे ही बचपन से देख के आए हैं, हम लोग भी खाते हैं। मगर मेरा फेवरेट फूड अगर बोलोगे तो मेरा फेवरेट फूड कलकत्ता में रहने के बाद भी, बंगाल में रहने के बाद भी, गुजराती फूड मेरे लिए मतलब मेरा पसंद है, क्योंकि उधर फूड में थोड़ा स्वीट बेस होता है, जो दोनों का ही कम्बिनेशन है। तो बचपन से हम लोग भी स्वीट का बेस थोड़ा थोड़ा फूड खाते, तो दोनों में गुजराती फूड का। इसीलिए तो आप इधर ही आया है, हमें मालूम था ये। वेल आई होप कि आप कोलकाता में एंजॉय करेंगे, हम सब एंजॉय करेंगे और गुड लक, और साथ में मैच भी जीतेंगे। एब्सोल्युटली, वो मेन पॉइंट वो तो हमने छोड़ दिया आपके हवाले, अब हो जाएगा। कोशिश करेंगे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना बस। थैंक यू थैंक यू।